अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिब खान। मैंने कुछ नहीं बोला, दोनों लड़ने वाले हिंदू पंडित हैं, दोनों महान थे। अभी साइड में जिनको आप देख रहे हैं ये अनूठाचार्य हैं, इस समय पूरी दुनिया में टीवी पे छाए हुए हैं, हिंदू धर्म के अंदर अपना प्रवचन देते हैं, बहुत हिंदू धर्म के जानकार हैं। लाइव कैमरे पर सबके सामने दो पंडित आपस में भिड़ चुके हैं। अनूठाचार्य ने राधा के बारे में कुछ गलत बोला है, उस पर दूसरे वाले जो पंडित हैं उन्होंने किताबें उठा ली, ग्रंथ उठा लिए, बोले कि दिखाओ जो अभी आपने बोला है राधा के बारे में, वो किताब में दिखाओ कहाँ पर है। भरी सभा में सबके सामने पंडित जी की बड़ी बेइज्जती कर दी। मुझे हंसी आ रही है दोस्तों, लेकिन मैं गलत भाव से नहीं हंस रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ और किसी भी धर्म से या किसी भी चीज़ से मेरा कोई जातिवादी या कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए। लेकिन ये वीडियो इस तरह की है कि इस पर मुझे हंसी आई कि पंडित जी ने सबके सामने जो उन्हें पकड़ लिया और उनकी जो है शुरू कर दी। तो चलिए देखते हैं वीडियो के क्या रहता है, क्या बात थी, पूरा मसला समझते हैं, फिर बात करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, कानूचार प्रकाश क्या बता दे, चूर्णिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनुराधाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनुराधाचार्य बोल रहे हैं। इसे आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगू। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं, लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है, उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी, ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधा बनता गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। अनर्थ मत कीजिए ना, हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ। ना ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधा वंतौ भटान मर्दे। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो स्वर्ग कहाँ जाएंगे गुरु जी। उद्यतायुधई ही गुरु जी, गुरु जी कहते हैं, गुरु है। अब चलिए भागवत जी में दूसरा है बधु, बधु प्रयोग हुआ है, बधु प्रयोग हुआ है, तो बधु का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधु, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहाँ बधु शब्द है वहाँ भी अर्थ राधा है, जहाँ बधु है ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है, जहाँ राधा है, जहाँ बधु है वहाँ राधा है, ऐसे थोड़े होता है। जहाँ आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरु जी ने बताया, हमारी क्या ताकत की हम बताएं, सब शब्द ही अर्था नाम अभिव्यक्ति महाराज की बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं महाराज जी, सारा विश्व। त्रिपाठी जी महाराज, आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से, आचार्य जी, आचार्य जी आप हटिए भैया,
अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर आप विश्व को सुनाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे, इन्हें हटाओ, कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरु जी का हम चलते हैं अगर गिरिराज जी का सुना दे। आचार्य श्री गुरु जी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मर्दे जो है, गुरु जी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले, श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है, यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बातें स्वीकार है, लेकिन और जैसे वधु, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर? राधा जी हैं, तो हैं, लेकिन वहाँ वधु है। याम गोपी मैंने अब कृष्णा, तो श्री राधा जी कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है, भागवत जी में कहीं भी शब्दानाम शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति ही कई ही वृत्ति भी भवती वृत्तयः कत संख्या का अभिधा वृत्त्या लक्षणा वृत्त्या व्यंजना वृत्त्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति। महाराज जी आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो गुरुजन हैं, गुरुजन हैं, आप ही तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अनर्थ क्यों सभा में करते हैं लोग, पूरे विश्व को सुनाते हो। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ, सिखा ही नहीं सकते आप, अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है, अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है, तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, वो भाव सब भाव है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन, सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। दो मिनट कीर्तन कर ले, एक मिनट रुको। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं, भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्यों गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो बिनक अर्था शब्दों प्यर्थांतराश्रय एकत्र व्यंजकत्वे तद अन्य सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो, वहां संधि है, मैंने आयुधई ही आयुधों से युक्त हो, मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए, शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो, मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूर्णिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को, आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता अर्थ का अनर्थ। हाँ नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनुरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं, इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए।
मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांग। पसंद आयोगी पंडित जी ने दूसरे पंडित जी को जो उनकी गलती पर पकड़ा, राधा का जो शब्द इन्होंने बोला था कि राधा और आधा और राधा, ये दोनों शब्दों में घुमा रहे थे, मतलब वहाँ पर आधा लिखा हुआ था और ये राधा बता रहे थे। तो दूसरे वाले जो पंडित जी थे वो काफ़ी जानकार थे, लेकिन ये अनिरोध शंकराचार्य जो हैं इस टाइम दुनिया में छाए हुए हैं, लोग इनको बड़ी तादाद में सुनते हैं, इसलिए इनकी गलती पकड़ना ज़रूरी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।